एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक अलहपुर धाम में स्थित मुकुरपुरी गांव पहुंची। इस समय उज्मा परवीन को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 7000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। लगभग 2700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 448 राशन कार्ड धारक हैं। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 120 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 33 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 45 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 120 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान मुकुरपुरी से प्रतिनिधि हूँ और गांव की जो समस्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। भाई हमारे गांव में जो है दो नदियों की वजह से हमेशा तमाम नुकसान होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं और पानी का निकास जो है इसकी वजह से गांव परेशान रहता है। पानी का निकास सही होने की ना वजह से रास्ते हमेशा ख़राब होते हैं, जिसमें नालों की आवश्यकता ज़रूरी है और काम होने की वजह से छोटे छोटे सब लोग घर हैं। बारात रुकाने की कहीं कोई मुस्तकिल जगह नहीं है, ना तो बारात घर यहाँ मुहैया है और ना ही पंचायत घर। इन चीज़ों की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जो हम योगी जी से इस बात को अपनी जो है आज जो मिन्नत कर रहे हैं कि भाई हमारे गांव के लिए ये चीज़ मुहैया कराई जाए। और गरीब लोग हैं जो नदियों की वजह से हमेशा यहाँ लोगों की फसल सही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है झोपड़ी पट्टी वाले लोग बहुत गांव के अंदर मौजूद हैं, गरीब लोग हैं। यहाँ कोई मकानों की जो स्कीम चल रही है इसके लिए जो है अभी तक हमारे यहाँ दो मकानों के अलावा कोई मकान मुहैया नहीं कराया गया है। और ये जो प्रधान है उज्मा परवीन, ये बहुत ही अच्छा काम है कर रही है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है यहाँ।